तो आज की हमारी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू, और ये हमारे टैबलू की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन थी, कल हमने आपको डेटा कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, बट डेटा कनेक्टिविटी विथ फाइल के बारे में बताया था, राइट? तो फाइल मतलब कि जो आपके पास फाइल के फॉर्म में है। फाइल के फॉर्म में क्या होता है? एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, जेसन होता है, टेक्स्ट होता है, ऐसी चीज होती है ना सर। हाँ सर, हम आपके बारे में बताएंगे जो आपकी सर्वर्स या फिर ऑनलाइन सर्विसेज, सर्वर में एसक्यूएल है, ओरिकल है, ऐसे सर्वर है। और सर्विसेज में जैसे कि ऑनलाइन टैबलू का खुद का सर्वर है, या फिर आपके ऑनलाइन बहुत सारे और भी सर्वर्स हैं, या फिर गूगल सीट्स हैं, या फिर आपके और भी बहुत सारे वेब पेजेस वगैरह हैं, तो उनको किस तरीके से आप करेंगे इसके बारे में हम आपको इस क्लास में जानकारी देंगे। तो आज टॉपिक है डेटा कनेक्टिविटी विथ इस सर्वर्स एंड ऑनलाइन सिस्टम्स, राइट? तो यहां ये अत्यंत डिफॉल्ट कुछ सर्वर्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सर्वर्स के साथ आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलू सर्वर की। तो टैबलू सर्वर में आपको टैबलू का ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास भी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है और आपने भी नहीं लिया हुआ है। तो जब आप सर्वर होंगे तो उसकी पाथ यहाँ डालिए, कनेक्ट कीजिए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, तो कोई खास टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं एक ट्रायल वर्जन लेके आपको सिखा दूंगा मैं। उसी तरह से यहाँ पे आता है गूगल सीट। गूगल सीट इस सब चीजों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में। ये रहा सर्वर यहाँ पे, राइट? यस सर्वर जैसे कि आपका यहाँ पे एसक्यूएल का सर्वर का पाथ क्या है और सर्वर क्या है, उसकी ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। अब ये सर्वर का सर्वर और ये डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? वो एसक्यूएल के वहां से हो। इसके लिए आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप खोलेंगे तो आप ये आपका कंप्यूटर ने जो आप दिख रहा है ना, डेस्कटॉप NS5Q35, ये मेरा कंप्यूटर नेम है, ये मेरा सर्वर नेम और ये हमारा डेटाबेस है। तो बट मेरा सर्वर नेम और डेटाबेस दो एक ही नेम से है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं एक नेम से होगा, अलग अलग नाम से होगा। उसके बाद अब क्या है कि मेरा जो है लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट समझते क्या होता है? ऑन डेस्कटॉप पे होता है और दूसरा हाँ, वो लोकल होस्ट सर्वर पे मतलब है। कि मेरे सिस्टम पे ही स्टोर है, तो इसलिए ऑथेंटिकेशन मतलब कि मेरी जो विंडो की जो पासवर्ड है उसी से चलेगा ये। लेकिन जब आप कंपनीज में होंगे तो आपके पास क्लाइंट सर्वर होगा, तो आपके पास लोकल होस्ट नहीं होगा, तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड, या फिर लोकल होस्ट में ही इंस्टॉल करते समय अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला हुआ है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा। सर्वर का जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको यहां से सर्वर का पाथ मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आज YouTube पे रहिएगा, क्योंकि आज YouTube पे SQL सर्वर बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो ओके ओके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी आपको। फिर मैं यहां से साइन इन करूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मेरे आईपीटी के अंदर में डेटा और डेटा वन दो नाम के टेबल्स हैं, क्योंकि डेटा तो टेबल्स भी होती है ना। तो जो हाँ टेबल आपको चाहिए उस पे आप यहाँ पे क्लिक कर डबल क्लिक कर दे या फिर इसको ड्रैग कर दे, उस टेबल का डेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बट इसमें कोई डेटा नहीं है, जस्ट टीम नहीं, डेटा होना चाहिए। एक मिनट, अपडेट नाउ। हाँ, ये आ गया डेटा। डेटा नहीं तो अपडेट नाउ पे क्लिक करोगे तो डेटा आ जाएगा, ठीक है? या अपडेट ऑटोमेटिकली करोगे तो ऑटोमेटिकली हमेशा डेटा अपडेट रहेगा। आ गया सर। हाँ सर। अब इसमें अपनी जो सीट पे जाके अपने एनालिसिस को कर सकते हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं इसको। तो एसक्यूएल सर्वर से डेटा को लोड करना आ गया। हाँ बराबर।
उसी तरह से आपके पास अगर ओरिकल है तो ओरिकल से भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ओरिकल सुनते हैं, बात करते हैं गूगल सीट की। गूगल सीट समझ क्या होता है? हाँ, गूगल सीट पर वो आप गूगल पे करते हो। हाँ, मतलब कि आपके ड्राइव गूगल सीट में जो ड्राइव हो, जैसे मेरा जो ये देखिए, ये जो मेरी डेमो क्लासेस की जो रिक्वेस्ट फॉर्म आती है वो गूगल सीट में इंस्टॉल होती है। गूगल सीट भी एक ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि स्प्रेडशीट देता है, ऑनलाइन है, क्लाउड पे होता है, हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं, कई सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कंपनीज बहुत सारे कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को नहीं, गूगल सीट गूगल के सर्विसेज को ही ले रही है, खासकर कॉल सेंटर्स वगैरह, क्योंकि ये फ्री है और ऑनलाइन होती है, क्लाउड पे होती है, और इसमें भी सारे एक्सेल के फीचर्स हैं। तो जिनके पास बहुत कम काम होता है, जैसे कॉल सेंटर्स टेलीकॉलर्स होते हैं, उनके पास तो काम होता है ना एक्सेल का। हाँ, तो वो लोग अब हर पीसी के लिए जो परचेज करेंगे उससे अच्छा है कि गूगल सीट को यूज करें। जो लोग एक्सेल व्यूअर वगैरह यूज करते थे या फिर यूज करते थे ORG वगैरह, IBM सिम्फनी, वो सारे गूगल सीट यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े इसमें। तो एक गूगल सीट का डेटा हम लेके कैसे आएंगे, ये जो मान लीजिए डेटा है, हम इसको इस पे कैसे टेबलो पे ताकि एनालिसिस को कर सके। तो जब गूगल सीट पे मैं क्लिक करूंगा, ये आपका खुलेगा और आपको बोलेगा साइन इन करने के लिए उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी के ड्राइव पे सेव है, और आपको यहां अलाउ करना पड़ेगा। बस अलाउ करने के बाद इसमें आपके आ गया फाइल, आ गई वहां पे सिलेक्ट। इसमें बहुत सारे फाइल होंगे तो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन था, लेकिन हमने सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट इसने पहले किया था, आज मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे गूगल सीट मैंने इसको सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे अलाउ की, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, लेकिन अगर आप किसी और शीट का चाहिए तो बस यहाँ पे सीट का नेम देना है। तो मैं गूगल ड्राइव यहाँ पे खोलता हूँ और मैं किसी और, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि मैं ब्रावर इसी से लिंक करता हूँ ना इसलिए। लेकिन आपके पास ड्राइव में बहुत सारे फाइल है, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कॉपी ऑफ एवलेटर मास्टर है ना, ये दिख रहा, बट ये डेटा डेटा फॉर्म में नहीं है, इस डेटा फॉर्म में है तो एक काम करता हूं मैं, इसी को इसी नाम को यहां से कॉपी करता हूं और हमने यहां पे पेस्ट कर दिया और सर्च करते हैं, आ गया। अब यहां पे कनेक्ट कीजिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा, हो गया। अब ऑनलाइन सर्विसेज में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बाय डिफॉल्ट अगला आता है आपका गूगल सीट के बाद, अगला आता है आपका गूगल एनालिटिक्स ड्रॉप बॉक्स। गूगल एनालिटिक्स समझते क्या होता है? नहीं, ड्रॉप बॉक्स में पता नहीं है। नहीं, ड्रॉप बॉक्स भी पता नहीं है आपको ना? नहीं, मैं दोनों बताता हूं। गूगल एनालिटिक्स होता है ए आपका, जहां पे मेरी जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स का ए यहां बताता है कि गूगल पे कितने लोगों ने सर्च किया, कितने लोगों ने क्या किया, वो सारी चीज यहां पे दिखाता है, कितना इंप्रेशन था, कितना क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह, समझे? हाँ, एक एक मिनट सर, क्लास चल रहा है। हाँ, मुकल, हेलो। हाँ सर, थोड़ा वो डिस्टर्ब हुआ है।
हाँ, तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट का डेटा आता है। तो इस एनालिसिस को जो आप यहाँ देख रहे हो, ये आप अपने गूगल इस पे भी देख सकते हो, टैबलो पे भी देख सकते हो। बट यहाँ पे हाँ क्या सर, है, यहाँ पे क्या है कि नहीं कर पा रहा है। इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि हमने साइट यहाँ पे प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, नो हिट्स, प्रॉपर्टी इज नॉट रिसीविंग ए हिट। इसमें हमने इसके कंसोल को लिंक नहीं किया है, मैं वेबसाइट अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, वरना इसको भी लिंक कर सकते थे हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। ये तो भाई कोई खास की चीज नहीं है। अब चलते हैं, बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स। अब ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? तो गूगल ड्राइव जानते हैं सर, गूगल ड्राइव क्या होता है? हाँ, वो गूगल पे वो अभी जो डेटाबेस होता है वही अभी जो आपने बताया स्टोर करते हैं हम ज्यादातर उस पे। हाँ सेम ड्रॉप बॉक्स होता है, ड्रॉप बॉक्स गूगल पहले से है। ड्रॉप बॉक्स में क्या है कि आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे साइन इन करें, मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, यहाँ पे IPT Gmail.com। ड्रॉप बॉक्स जो है एक ड्राइव की तरह हमारा ये देता है, डाउनलोड ऐप कर देंगे ना तो आप वहां पे एक फोल्डर की तरह सिस्टम में आ जाएगा, और जब आपको फाइल बार बार जाके उस पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, समझे? वो आप अपने फोल्डर में डालोगे तो अपने आप अपलोड कर देगा। ये आपका गूगल ड्राइव के साथ भी होता था। जैसे मान लीजिए आप पांच, आपकी जो पांच अलग अलग जगह पे लोकेशंस है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, ओके, लेकिन आप जो है इतने बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे मोटे व्यापारी हैं, इसलिए आप एक सर्वर इंस्टॉल नहीं कर सकते, और आपकी आपने ड्रॉप बॉक्स पे या गूगल ड्राइव पे आपने एक स्पेस को ले लिया हुआ हाँ है, फिर यहाँ पे आई थिंक 15 GB के आसपास, 15-18 GB मिलता है फ्री। हाँ फ्री जो है, कुछ फ्री मिलता है, उसके बाद परचेज भी कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप गेट अकाउंट करेंगे तो आप अपने डेटा को, आपने क्या किया, ड्रॉप बॉक्स सर्विसेज ले लिया या ड्राइवर सर्विसेज ले लिया, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, आपके सामने डॉक्यूमेंट की तरह से ड्रॉप बॉक्स या ड्राइव का फोल्डर बन गया। अब आप जो भी फाइल पे काम करेंगे वो फाइल यहाँ पे आप रखेंगे, और सेम चीज पांचों इसमें क्या बोलते हैं, पांचों ऑफिस में होगा, पांचों ऑफिस अपने काम को इसी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए बुक वन पे उन्होंने खोला, कुछ टाइप करके सेव कर दिया, ये सेम ड्रॉप बॉक्स क्या करेगा, अपने अंदर में अपने ऑटोमेटिक अपने आप को अपलोड कर लेगा और ये पांचों के साथ डाउनलोड कर देगा। समझ में आया? हाँ सर, मतलब कि आप ड्रॉप बॉक्स के ऊपर अगर कोई डेटा रखते हैं तो जितने भी पीसी इससे कनेक्टेड रहेंगे इंटरनेट के जरिए, अगर इसने कुछ अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे के यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, समझे? तो हर चीज हाँ सर, एक शेयर वर्कबुक की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है ड्रॉपबॉक्स के बारे में? हाँ सर, तो ड्रॉपबॉक्स में कोई डेटा है उसको आप एनालिसिस के लिए डायरेक्ट कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए कि ड्रॉपबॉक्स को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को बना के भेज दिया आपने, हाँ डायनेमिक तो नहीं ना होगा, एक्सेल फाइल पे आपने मान लीजिए कि एक्सेल ड्रॉपबॉक्स से डाउनलोड कर दिया और एक्सेल फाइल बना के आपने भेज दिया, बट वो डायनेमिक तो नहीं हुई ना। हाँ डायनेमिक तो नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने ड्रॉप बॉक्स या गूगल सीट से मैंने उसको लिंक कर दिया, तो जैसे ही मेरा गूगल सीट या ड्रॉप बॉक्स अपडेट होगा, मेरा रिपोर्ट चाहे जहां भी हो हर जगह अपडेट हो जाएगा।
ओके हाँ चाहे किसी भी इंटरनेट के फॉर्म में हो या फिर आपके इसमें गूगल इस पे क्या बोलते हैं, ड्रॉपबॉक्स में या तो मतलब कि आपको टैबलू की रिपोर्ट फॉर्मेट में हो या फिर आपका टैबलू की ऑनलाइन सर्विसेज में हो, वेब पेज पे, हाँ दोनों में अपडेट, लेकिन पीडीएफ अपडेट नहीं होगा। ओके हाँ इसको अलाउ कर दिया, अब मैं यस कर देता हूँ, क्लोज कर देगा और यहाँ पे कनेक्ट टू ड्रॉपबॉक्स आ गया और यहाँ पे मेरे फाइल्स की लिस्ट आ जाएंगे, जो जो फाइल है, तो डिटेल मेन है, मैं इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट कर दिया। आ गया सर, चलिए क्लोज करता हूं उसको मैं। अब इसमें अगला ऑप्शन यहां पे आता है, और अगला क्या क्या है, ये तो मेन यूज होता है, अब इसमें आगे बताता हूं आपको। ये आपका टेबलू एक्सेल मैट्रिक्स, अमा एक्सेल रेंडर, ये अलग सॉफ्टवेयर नेम है, डेटाबेस का नेम है, अमेजॉन, अमेजॉन जूरा, ये सर सारे आपके सॉ ये है, ड्रॉपबॉक्स तो मैंने बता ही दिया, गूगल एनालिटिक्स, गूगल बिग क्यूरी, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, गूगल सीट, ये गूगल की सर्विसेज है, इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये हडूप पे डेटा है तो हडूप के साथ भी कर सकते हैं, आईबीएम के जो सर्वर है उनके साथ भी कर सकते हैं, क्विक बुक आते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज होती है क्विक बुक, वो भी एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है, वो यूज कर सकते हैं। ऐसे आप एम एस क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्विसेज भी आप ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर से पावर पॉइंट में क्या है, चलिए एक छोटा सा पावर पॉइंट का भी एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे तो डेटा रखने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई भी डेटा जैसे डीडी से उठा लेता हूँ, कस्टमर और प्रोडक्ट दो दो उठाता हूँ सिर्फ, ठीक है, कस्टमर और सेल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसी में एक और स्लाइड बनाता हूँ, और यहाँ से प्रोडक्ट को उठाता हूँ, सेव करता हूं, अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे मैं पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट है सर, माफ कीजिएगा, पावर पॉइंट नहीं था, इसे आता मैं पढ़ने में दिक्कत हो गई, ये आपका पावर पिवट था, जो आप हाँ ये होती है शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट्स के डेटा से डेटा उठाता है, लेकिन पावर पिवट, एक मिनट, फाइल और मैं कैसे भूल गया, शर्म आती है मुझे, पीपीटी के साथ इसका लिंक नहीं होता है, पीपीटी के साथ लिंक नहीं होता,
ये आपका पावर पिवट था, माफ कीजिएगा मैं गलती गलत कर पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। पावर पिवट जैसे कि आपकी जो शेयर पॉइंट की वजह से सर्विस है वहां से ही उठाता है। हाँ यहाँ पे आपका एक लोकल फाइल भी है, पावर पिवट के बारे में जानते हैं आप? नहीं, लोकल लोकल एक्सेल का नहीं जानता हूँ। तो शेयर पॉइंट मतलब कि शेयर पॉइंट में है उसका चलता है। अब लोकल फाइल्स क्या है, अब इसके बारे में आपको लोकल फाइल्स में क्या है इसके लिए आपको पढ़ना होगा पावर पिवट। तो हाँ पावर पिवट आप जानते हैं? नहीं सर, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है एग्जैक्ट। मेरे पास अभी जो फाइल हमने ओपन की थी मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ, डीडी वाली फाइल को। और ये तीन सीट जो है ये तीन सीट को मैं मूव कर देता हूँ। नहीं हुआ, बुक पढ़ और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास तीन फाइल है, ठीक है आपको? बुक वन, यहाँ पे कस्टमर, प्रोडक्ट, तीन फाइल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स के अंदर में, सेल्स जो है इस सेल्स के अंदर में पूरा डेटा नहीं है। सीआईडी है बट सीआईडी कस्टमर का नेम और सिटी कस्टमर वाले शीट में, और उसी तरह से प्रोडक्ट की एमआरपी और अमाउंट जो इसमें है। तो यहाँ पे एग्जिट बनाना है बट मुझे ऐसा पिवट चाहिए जो कि कस्टमर की डेट, प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी सबको कैलकुलेट करके पिवट बनाना है। तो हम यहाँ पे जो कॉलम ऐड करके जो वी लुकअप लगाएंगे और कस्टमर की डिटेल लाएंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल लाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो हम डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हम यहाँ डेवलपर में, यहाँ डेवलपर में पावर पिवट पे आएंगे और एक मैनेज को क्लिक करें, ओपन करेंगे पावर पिवट को, ठीक है? पावर पिवट नहीं है तो एडिंग्स में जाके कॉम सेटिंग को एक्टिवेट कीजिए और पावर पिवट को लेके आ जाइए। अब मुझे सारे डेटा को एक एक करके आपके इस डेटा मॉडल जो मैनेज करके खुला है इसको डेटा मॉडल कहा जाता है, इस डेटा मॉडल में ऐड करना। तो ऐड टू डेटा मॉडल हमने कर दिया एंड ओके। ऐसे में दूसरे पे जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी पावर पॉइंट में ऐड टू डेटा मॉडल, लेकिन ध्यान रखिएगा माय डेटा एज ए हिडन पे क्लिक होना चाहिए। उसके बाद वापस मैं एक्सेल सीट पे आता हूं और तीसरे फाइल को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, पावर डेवलपर में होगा। हाँ तीनों डेटा को हमने, अब यहाँ पे जो ऐड हुआ डेटा एक्चुअली में उसका प्रीव्यू है, एक्चुअल में डेटा उसी को यहाँ पे शो कर रहा है, लिंक है यहाँ से। अब तीनों टेबल के बीच में मुझे रिलेशन करना है तो मैं यहाँ डायग्राम व्यू पे आऊंगा। अब यहाँ पे मैं इसको रिलेशन, रिलेशन मतलब कि कौन से डेटा किससे लिंक है, तो हमने बोला जो सीआईडी है वो टेबल टू से लिंक, आईडी आईडी और सीआईडी दोनों एक ही है, और पीआईडी और टेबल थ्री का आईडी तीनों दोनों एक ही है, हो गया। अब डेटा यहाँ पे हमारे पास टेबल पे, टेबल वन पे आते हैं, मेन हमारा यही टेबल है ना। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सबको। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे सीआईडी है तो सीआईडी की मैं एक कॉलम इंसर्ट कॉलम करता हूँ। ये डेटा में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम के जगह पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, कस्टमर नेम, सी नेम। और यहाँ पे जैसे वी लुकअप होता है ऐसे यहाँ पे रिलेटेड होता है, रिलेटेड में गया हमने यहाँ पे टेबल टू का नेम को सेलेक्ट करके,
कर दिया, तो यहाँ पे वी लुकअप के जैसा काम करेगा और का यहाँ पे सारे सीआईडी का नेम यहाँ पे दिखा देगा। अगेन इंसर्ट कॉलम मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं रिलेटेड और यहां पे सिटी को लेता हूं, और पीआईडी के बाद यहां मैं इंसर्ट करता हूं कॉलम, यहां पे प्रोडक्ट नेम पी नेम और यहां पे हम रिलेटेड का फॉर्मूला लगाते हैं और यहां पे प्रोडक्ट का नेम प्रोडक्ट जो है ऐड कर देते हैं, और फिर क्वांटिटी के लिए यहां पे हम यहां पे एमआरपी, क्योंकि इसका क्वांटिटी है तो इसका रेट पता होना चाहिए, नहीं रेट क्या है, और फिर यहाँ पे हम रिलेटेड और रिलेटेड में जाके हम इसका अमाउंट ले जाते हैं। डेटा लुकअप हो गया और फिर इसमें कैलकुलेशन वगैरह करना है, जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट अमाउंट लाना चाहता हूँ टोटल, यहाँ पे टोटल कि कितना रुपए का सेल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एमआरपी है ना, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर पी, और फिर इसको हम पिवट टेबल में यहां मूव कर देते हैं, यहां पिवट टेबल पे, तो यहां तीनों टेबल से पिवट टेबल लगेगा, तो मल्टी टेबल पे पिवट टेबल लगाने का तरीका यही है, लेकिन मैं यहां पिवट टेबल के जरिए एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं, मैं एनालिसिस करना चाहता हूं किसके जरिए, ड्रॉप बॉक्स के वहां से टैबलो के जरिए, तो यहां टैबलो के जरिए पावर पिवट नाम का फाइल बनाता हूं और यहां पे सेव कर देता हूं, और फाइल को क्लोज कर दिया। अब मुझे इसी फाइल में इसका डेटा सेल्स कस्टमर प्रोडक्ट का डेटा नहीं चाहिए, जो पावर पिवट के अंदर हमने जो कंबाइन किया है और जो हमने कैलकुलेट किया है वो डेटा चाहिए। तो वो हम यहां पावर पिवट से लेके आए, पावर पिवट लोकल फाइल, और यहां हम पावर पिवट को सेलेक्ट करके साइन इन कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अच्छा इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है पावर पिवट का, टैबलो डेस्कटॉप पावर सर्वर सपोर्ट वर्जन शेयर पॉइंट यूआरएल माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट इंस्टॉल टैबलो IA32bit, इसको इंस्टॉल करना होगा पहले, मैं भूल गया था इस पे नहीं था सर। पर पावर बीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है सर। हाँ पावर बीआई तो वो तो एक्सेल का ही पार्ट है ना, नहीं नहीं एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, तो ये आपका वहां से पावर बीआई की जो सीट है उसको लिंक कर देगा, ठीक है। हाँ सर, और उसके बाद हम टैबलू पे आते हैं, यहाँ पे
उसी बाद यहाँ पे आपके पास अगर ओरिकल का डेटा है तो ओरिकल से आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सैप का है तो सैप से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पार्क एसक्यूएल है, टेंडा है, का है, ये चीजें कर सकते हैं। एक आता है वेब डेटा कनेक्टर, जैसे कि आपके वेबसाइट का डेटा को अगर लेना है, जैसे कोई वेबसाइट का डेटा है वो अगर आप लेना चाहते हो तो यहां से आप लेकर आ सकते हो, समझे। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, मैं एक फाइल होगा मेरे पास इसमें, हो जाएगी नहीं है, मैं नहीं सर, डेटाबेस एनएससी की वेबसाइट पे से ले लो ना, एनएससी की वेबसाइट पे ज्यादा डेटा होगा। हाँ मैं देता हूँ, मेरे पास भी एक डेटा टिप फॉर डेटा फॉर्म में, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए इसमें छोटी सी दिक्कत होती है सर, नहीं यहाँ पे आपको जो है नहीं, इसको आप लोड नहीं कर सकते, ये पहले आपको ढूंढना पड़ेगा वेब कनेक्टर, ठीक है ना। हाँ, पे आपको ये तो वेब कनेक्टर है, उससे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा वेब कनेक्टर, कि वेब का कनेक्टर क्या है। आपको यहाँ पे वेब डेटा कनेक्टर को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसमें यूआरएल डालेंगे दो बार, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेब डेटा कनेक्टर है, उसको लेके जाना पड़ेगा। ओके हाँ समझे। जो है अलग अलग साइट्स, अलग ये है वो आपको प्रोवाइड करती है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कनेक्टर को फाइंड करने में, समझे। यूज कनेक्टर लिंक दिस टॉपिक, तो एक कनेक्टर में एक अच्छा सा जो है कनेक्टर एक बार ले लेता हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, कल इसके बारे में। ओके ओके सर, और कल आपको पावर पेपर वाला जो है वो भी आपको हम समझा देंगे। हाँ पावर पेपर हो ही गया है, एक बार देखता हूँ दोबारा। ठीक है।